बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में राजनीति घमासान मच गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर अघाड़ी के नेता हैं। मोदी सरकार ने अघाड़ी नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी और इनकम टैक्स ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे शिवसेना बीजेपी पर भड़क गई है। वहीं महाराष्ट्र में जारी छापेमारी की गूंज अब यूपी के चुनाव में सुनाई देने लगी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अभी ही कह दिया है कि राज्य में अखिलेश यादव को अपार समर्थन मिल रहा है। उनकी माने तो यूपी में बदलाव होने जा रहा है। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे भी यूपी गए थे और लग रहा है कि इस बार यूपी में बदलाव होगा। संजय राउत ने शिवसेना नेता यशवंत यादव के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में न आय है और न ही कर है। आय और कर दोनों ही केवल महाराष्ट्र में मौजूद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ इनकम और टैक्स है। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ ना तो इनकम है और ना ही टैक्स। संजय राउत ने बीजेपी को लेकर कहा कि बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और बाकी देश खाली पड़ा है और सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ये सब देख रहे हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, वो जो कर रहे हैं करें। बता दें कि आयकर विभाग ने शिवसेना पार्षद और बीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव के परिसरों पर छापेमारी की थी। मुंबई में आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान शिवसेना पार्षद यशवंत जाधव के परिवार और सहयोगियों के पास से 2 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किए हैं। खबर के मुताबिक जाधव के एक सहयोगी विमल अग्रवाल के घर की भी तलाशी ली गई थी, जहां से कैश बरामद हुआ है। इसके बाद से ही शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। वहीं जाधव के घर छापेमारी से पहले एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को भी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार की है। इसके बाद से ही राज्य का सियासी पारा गर्म है। वहीं 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में और उबाल आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।